सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो चैरी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अभी हम हैं घाघर बूढ़ी मंदिर में, जो है आसनसोल में, और ये आसनसोल दुर्गापुर बाईपास में पड़ता है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें 5.5 साल पहले जो आसान पेड़ों जंगल हुआ करता था, तो उस समय एक कंगाली चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति मतलब यहाँ पूजा करने आता था। तो एक बार नदी पार कर रहा था, तब जो एक भगवान उसे नदी एक बार नदी पार कर रहा था तब वो नदी के किनारे उस समय थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठा था। तो उसके सपने में माँ, जो पूरा एकदम गहना वहना पहन के आई थी, तो उसको सपना दी और उसके सपना में बोली, मैं तुम्हें 3 पिंड दे रहा हूँ, तुम जिसे मदद से नदी पार कर सकते हो। तो जैसे वो सो के उठा, देखा आके हमें वो 3 पिंड, तो बस वही थोड़ा मोड़ा जानते हैं। तो फिलहाल आज हम अपने छोटी मम्मी और छोटापा गोलू काजू लोग के साथ आए हैं। आज छोटी मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी है, देख सकते हैं। अभी मैरिज एनिवर्सरी छोटी मम्मी का, इधर छोटापा प्रसादी ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये आसनसोल दुर्गापुर बाईपास जो मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 5.5 साल पहले से। तो फिलहाल अभी जाते अंदर पूजा करेंगे, आए हमें फोटो से। और खासकर आज छोटापा छोटी मम्मी का एनिवर्सरी है, इसलिए आए। मीन्स हम आसनसोल आए गए थे वही पहले ही, लगभग 2 दिन पहले ही, बट यहाँ आंटी लोग ज़बरदस्ती फोर्स करके रोकने लगी हमको, जिस कारण हम रुक गए और मंदिर आ जाए हैं। और यहाँ हर साल 15 जनवरी को मेला लगता है, उसमें बहुत ही बड़ा, जहाँ जानवरों की बलि की जाती है, जहाँ तक हमको थोड़ा मोड़ा पता है। तो बस चलिए चलते हैं अंदर में, वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको भी। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देख सकते हैं छोटापा का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और फिलहाल अभी मंदिर के पास जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ काजू हाय कर दो, बोलो हाय कर दो। तो चलिए चलते हैं। बुलावे तुझे अरे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे अरे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब। गोलू का बटन टूट गया पूजा करते समय, बदमाशी कर रहा हूँ। बोलो बोलो क्या खाओ, बोलो वीडियो बन रहा, बोल दो क्या है नाश्ते में, बोलो बोलो। कचौड़ी खाना है इसको कचौड़ी खाना है, चॉप पूड़ी खाना है। अरे मूड कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। सो गाइस, जो 3 पिंड के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, देखिए वही ये 3 पिंड की फोटो है। और ये पुष्पांजलि देंगे, यहाँ ये फोटो रख दिया। और वहाँ एक बार तो उस जगह दर्शन की जगह जाते हो, पहले यहाँ पुष्पांजलि देते हैं, फिर वहाँ जाके दर्शन कराते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ। और देख सकते हैं फिलहाल कितना भीड़ है अंदर, इसीलिए स्थापित किया गया है। अभी मंदिर बन रहा है, इसलिए माँ को यहाँ स्थापित किया है। माँ का मंदिर में जहाँ है, उधर के बाद हम लोग दिखाते हैं माँ का कहाँ कहाँ मंदिर है। पुष्पांजलि के लिए फूल ले लिए हैं और सब पुष्पांजलि स्टार्ट होगा। इस फिलहाल हो चुका है अभी पुष्पांजलि, देख सकते हैं फूल। और अभी फिलहाल हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी यहाँ पूजा कर लिया, अब जाके अंदर में मेन जहाँ है वो 3 पिंड, वहाँ दर्शन करेंगे, शांति जल ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं दर्शन करने। यही है वो 3 पिंड जिसका हम लोग बात किए थे, देख सकते हैं आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, देख सकते हैं गाइस अब इतना भीड़ नहीं है। सो गाइस पूजा तो हो गया, अंदर से देखिए जैसे कि आप लोग को सब आप लोग को दिखाएं, ऐसा बात नहीं दिखा है। और फिलहाल अभी यहाँ शिव मंदिर भी है, वहाँ भी पूजा कर लेते हैं। और आप लोग वो नदी भी दिखाते हैं,
नदी था, नाम इसका नूनी नदी, जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग का इंट्रो में देखा है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं अच्छे से। तो गाइस फिलहाल सब हो गया और एक जगह मंदिर है, बहुत सारा है लेकिन पता नहीं ना कि फर्स्ट टाइम आए। और आज से बहुत दिन पहले हाँ इतना कुछ सब था भी, 10-15 साल पहले ये जो 7-8 साल में सब डेवलप था। चाचा लोग आते थे हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर घर में, चाचा लोग रहते भी हैं, परसों वहीं थे, वहीं से फिर चाचा के यहाँ आए तुम। और फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं, ये देख सकते हैं नदी, यह है वो नूनी नदी जिसे वो कंगाली नाम का व्यक्ति कंगाली चक्रवर्ती पार हुआ करता था इधर भी बहता था सब पूजा करने के लिए, इधर भी बहता था पर वो बहता था पर सफाई था। छोटा पापा कितना दिन पहले यहाँ पानी पूरा भर गया था? अगले साल की बात है, अगला साल जो पूरा वर्षा आया था ये पूरा मंदिर भर गया था, पूरा मंदिर टोटल मंदिर डूब गया था। ये पिछले साल पूरा पानी पड़ा था जिसके कारण ये मंदिर जो है हरबनी मंदिर पूरा डूब चुका था, पूरा एकदम हाइट तक छत का है वहाँ तक पूरा डूब चुका था। और देख सकते हैं अभी भी पानी है इसमें। और चलिए जहाँ तो यहाँ शायद लिखा है डेंजर है, जहाँ जैसे कि आप लोग दिखाते हैं यहाँ लिखा है नदी की तरफ जाना मना है, बट पीछे से हम लोग हैं, पीछे से हम लोग हैं, देख सकते हैं ये है वो नदी, चिल्ला भी रहे लो जाने से। असर अब करता राहत जिसे मेरी चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना, लगी है तेरी आदतें मुझे जब से तेरे बिन पग भी बरस लगते, बुलाए तुझे और आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, जो होए तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तो गाइस फिलहाल फोटो भी ले लिए पूरा, आप लोगों को इंस्टाग्राम मिलेगा फॉलो करके रखिएगा डिजिटल सब नाम आईडी का। और फिलहाल गोलू काजू अभी आगे जा रहा है, अभी और एक मंदिर है तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। आपको बताते हैं ये मंदिर का खासियत क्या है। आज से 550 साल पहले एक कंगाली चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति नदी पार करके दूसरे गांव से पूजा करने ये मंदिर आता था, तो उसे नदी पार करने में कठिनाइयां कभी कभी होती थी। तो एक दिन पूजा करने के लिए पार हुआ तो उस समय थक चुका था तो वो आराम किया, तो उसके सपने में माँ आई पूरे गहने पहन के और उसे सपना दी कि मैं तुम्हें 3 पिंड दूंगा, तुम उसके मदद से आसानी से पूजा कर सकते हो। तो वही 3 पिंड अभी जिसका हम लोग पूजा करके आए, जिसे कि आप लोग को हम दिखाएं अभी थोड़ी देर पहले, तो बस वही खासियत है। और यहाँ हर 15 जनवरी को हर साल मेला लगता बहुत बड़ा, जिसमें करीब
बहुत सारे जानवर को मतलब ये पाठा का बलि पड़ता है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं, अभी हम चलते हैं घर तरफ, प्रसादी खा लिए हैं। और यही था जो आप लोगों को मेन बात बताना था। ये नदी का नाम है लूनी नदी, यही लूनी नदी को पार किए थे। सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग यही बगल में ही होटल है, नाश्ता करने के लिए रुके हैं। दिखाते हैं क्या नाश्ता है। देख सकते हैं इधर काजू, और इधर देख सकते हैं गोलू। तो गाइस देख सकते हैं नाश्ता में कचौड़ी ऑर्डर किए हैं, और इधर देख सकते हैं गोलू खा रहा है। कैसा लग रहा है गोलू? बस तो गाइस अभी फिलहाल नाश्ता कर चुके हैं। और काजू नाश्ता करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो अभी गाइस यहाँ जो मंदिर में जहाँ रुके थे हम लोग, वहीं अभी मशीन लगा हुआ ठंडा पानी का, तो वही ठंडा पानी ले रहे थे। रास्ता में जाएंगे तो वही पानी पियेंगे। और ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देख सकते हैं यहाँ कितना सारे कबूतर पीछे, ये चेक करो। कौन हाई करेगा उसको? मत उड़ा। क्या कर रहा कबूतर अभी? क्या कर रहा? खा रहा? क्या कर रहा? क्या खा रहा? भात खा रहा। चिड़िया खा रहा? नहीं, दाना दाना खा रहा। और कैसा लगा पूजा करके? अच्छा लगा। और नाश्ता करके कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी यहाँ कहाँ है अभी तू? मंदिर में। मंदिर में? और जामतोड़ा कब जाएगा? कल जाए। हाँ आ, 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 ये टी शर्ट तो कैसा है? अच्छा अच्छा है। हाँ हमको दे देगा इला? नहीं। हाँ और गोलू? गोलू देख सकते लोग दोनों का टी शर्ट एक जैसा है। और अरे देखिए लोग उड़ा रहा है। मत करो, काहे बनवासी कर रहा? देखिए वो बनवासी कर रहा है। और देखिए गिलहरी ऊपर में देख सकते हैं। और चल गोलू अभी फिलहाल चलते हैं वापस। थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तुम्हारा, जुला सा ये साथ हमारा, एक मीठी धुन सुनाई दे रही है आज। तो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है और अभी टोटो पर लिए निकलते हैं। और गोला पीने जैसे कि देख सकते हैं। आई होप गाइस अच्छा ब्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी से नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आप लोग।